इनोवेशन का प्रस्ताव जो भाजपा सरकार प्रसार लाई थी और इसके बाद उन्हें कमेटी बनाई और जो कमेटी बनाई उसमें कोई भी ऐसा कमेटी में सदस्य नहीं रहा जिसकी राजनीति में बहुत अच्छी भागीदारी रही। संविधान के जानकार हो सकते हैं पर राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का प्रैक्टिकल और महत्व अलग होता है। उन्होंने जिस प्रकार से एक वन नेशन इलेक्शन की बात की है ये संभव नहीं है क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलने के लिए बनाया गया है और अपने अनुसार संविधान में संशोधन करके देश चलाने के लिए ये परिकल्पना न तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की है और न ही ये राजनीतिक महत्वता का विषय है। निश्चित तौर पर यह है देश के लिए एक बड़ा फैसला है और इस फैसले का जो असर है वह एक एक आदमी के ऊपर पड़ना तय है। निश्चित तौर पर भारत एक बड़ा देश है और इसमें तमाम स्टेट हैं और उसके अलावा उनके स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं तो आप देखते होंगे कि लगातार एक के बाद एक चुनाव होता रहता है जिससे कि पब्लिक भी परेशान होती है। समय समय पर अधिसूचना लागू रहता है, चुनाव आचार संहिता लागू रहती है, उसके साथ ही ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ चुनाव ही हो रहा है और हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो फार्मूला है उससे देश के विकास में आर्थिक गति को और मजबूती मिलेगी। देश के लोगों को ये जो बार बार चुनाव का सामना करना पड़ता है या जो माहौल उसकी वजह से समाज में भी कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़ जाते हैं और तरह तरह की चर्चाओं में मशगूल रहते हैं वो भी अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। एक 4-6 महीने के अंदर देश के सारे चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद 4.5 साल देश के विकास की बात होगी, देश में काम की बात होगी, रोजी रोजगार की बात होगी, पढ़ाई लिखाई की बात होगी, आर्थिक विकास की बात होगी और निश्चित तौर पर भारत एक बड़े मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक देश एक चुनाव बहुत ही अच्छा जो है प्रोग्राम पहल है सरकार की तरफ से, इसमें कर्मचारियों को जो है बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, देश का अधिक पैसा जो है खर्चा नहीं होगा, समय बर्बाद नहीं होगा, जो कठिनाइयां आने जाने में बार बार जो है शिक्षण संस्थान या जो भी है उनको बंद करने में दिक्कत आती है, एक साथ जब चुनाव होगा तो ये जो है बहुत बढ़िया होगा, खर्चे में होगा। इस तरह का बिल ला रही है कि देश में देश हित में राजहित में जनहित में बहुत अच्छा है। एक बार बार के इलेक्शन से देश की जनता पर इतना बोझ पड़ता है। अब जितनी भी फोर्सेज रखती हैं, जितने भी कर्मचारी रखते हैं और जितना समय बर्बाद होता है, जितना रुपया बर्बाद होता है, वो सब जनता का है। अगर इस तरह का कोई कानून बन जाए कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन जो वो एक साथ में सरकार कराए, इससे बनता है तो जनता के हित में है, राष्ट्र के हित में। अभी आप देखते हैं कि विकास कार्यों में हमेशा जारी रहती है, कभी कहीं के चुनाव, कभी कहीं के चुनाव, कभी कहीं के चुनाव, तो विकास कार्यों में बाधा। दूसरा, खर्चा बहुत होता है। जब एक बार में विधायक और मंत्री का वोट एक ही बार में पड़ेगा तो खर्चा तो एक ही बार में वही कर्मी होंगे और जो बैंक का कर्मी और संस्थाओं के कर्मी सरकारी संस्थाओं के जो बार बार छुट्टी पे बंदा दी ट्रेनिंग पे ये सब जाते हैं वो भी कार्य बचत होगी और पैसा जो है पैसे का भी जो है उसका दुरुपयोग नहीं होगा, पैसा अच्छे विकास कार्यों में लगेगा जो कि जनता के लिए और देश के लिए आगे का अच्छा जो है उसका विकास होगा और अच्छे से सरकार चलेगी और लोगों का जो है उससे समय बचेगा और लोग अपना अच्छा काम करेंगे। इससे राय हमारी है कि देश में एक साथ जब सारे चुनाव होंगे तो देश में जो अपव्यय अधिक खर्चा होता था वो बचेगा और महंगाई रुकेगी, लोगों का विकास होगा, वो जो चुनाव में अत्यधिक पैसा खर्चा हो रहा था वो कहीं ना कहीं देश हित में लगेगा और देश हमारा आगे बढ़ेगा। देखिए वाकई जो है देश हित में काफ़ी सराहनीय कदम है। वन नेशन वन इलेक्शन से जो देश की जनता है पहली बात तो उसको काफ़ी राहत मिलेगी, बार बार जो चुनावी तिकड़म है उससे निजात मिलेगी,
साथ ही एक बार में ही देश के संपूर्ण चुनाव संपन्न होंगे, जिससे देश का जो आर्थिक नुकसान होता था, जो चुनावी खर्चे होते थे, वो बचेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन में हमारी राय ये है कि ये जनता के हित का फैसला है। इससे जो है देश का काफ़ी पैसा जो चुनाव में अलग अलग लगता था वो बचेगा और तमाम अप्पे और खर्चे रुक जाएंगे। इससे महंगाई भी रुकेगी क्योंकि अलग अलग चुनाव में वही खर्चे लगते थे। इससे होगा कि एक बार में सारे चुनाव हो जाएंगे, एक बार सरकारें आ जाएंगी तो बार बार जो चुनावी खर्चा आ रहा था वो रुक जाएगा। अच्छी बात है। अगर इस तरह से अगर देश में लागू हो जाए, प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, अगर सभी लोग इसका समर्थन कर दें तो ये ऑल द बेस्ट। मैं सरकार के इस कार्य से संतुष्ट हूँ। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के अनर्गल तय पर प्रतिबंध लगेगा और जनता को बार बार चुनाव के संबंध में किस प्रत्याशी को वोट दिया जाए, कब दिया जाए, हर माह हर चार छः महीने जो इलेक्शन होता था, हर चार छः महीने में व्यक्ति किसी न किसी दिन को लेकर राजनीति को लेकर प्रेशर में आता था, दबाव में आता था, अपने कार्य को छोड़ करके सिर्फ राजनीति प्रेरित हो जाता था। इससे छुटकारा मिलेगा, व्यक्ति अपना व्यवसाय करेगा, हर व्यक्ति का उससे जो है जुड़ाव तो है राजनीति और इलेक्शन से, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ राजनीति और इलेक्शन में ही वह जिंदगी बिता ले, क्योंकि हर व्यक्ति को आय के स्रोत को भी अपनाना आवश्यक होता है। इसलिए वन देश वन इलेक्शन, ये जो शासन या सरकार ने नियम लागू किया है वो हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। ये बहुत अच्छा ही काम किया गया है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन जो है हर देश में होना चाहिए, हमारे ही देश में, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पे बहुत संकट पड़ता है इससे और देश का काफ़ी धन नुकसान होता है इसको, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक देश एक इलेक्शन, यानी कि इसमें कम से कम खर्चा भी बचेगा और लोगों को जो हर जगह अलग अलग तरीके से चुनाव होता था, धारा 144 लागू हो जाती थी जिससे कई लोगों को कई चीज़ का प्रभावित होता था। इसलिए एक देश में एक साथ अगर इलेक्शन होगा तो बहुत अच्छा चीज़। ये जो कानून सरकार लाने जा रही है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है, जो डेमोक्रेसी जमहूरियत की जो जान है वो ये है कि हर तबके की आवाज़। अभी बिहार में 80 घरों को दलितों को, महादलित बेचारे मुसहर जाति के 80 घरों को, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? उनके जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा आप यकीन के। मांझी जी की हाँ एक पार्टी एक विधायक जीतता है, ऐसे पूरे देश में छोटे छोटे दल हैं जो अपने अपने छोटे बहुत निगलेक्टेड तबका है उसकी आवाज़ उठाने का। ये पार्टियां सब खत्म हो जाएंगी, सिर्फ दो पार्टी सिस्टम बचे, कांग्रेस और बीजेपी, और ये दोनों पार्टियां सिर्फ मजबूत जो तबका है उसी की नुमाइंदगी करती है, बाकी निचला तबका पीछे रह जाएगा, वो उसकी आवाज़ और दब जाएगी। तो इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ सरकार, ये बहुत मुश्किल काम भी है, ये हो भी नहीं पाएगा इतनी आसानी से क्योंकि ये बहुत विविधता वाला देश है, या वो तमाम तरह की समस्याएं हैं, एक तरह के लोग नहीं है, विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। तो मैं चाहता हूँ सरकार इस कानून को न लाए। वन नेशन वन इलेक्शन, ये 1958 से पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में होता रहा है। अब ये फिर से माननीय मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से एक देश एक चुनाव का जो ये निर्णय करा है, कैबिनेट ने पास किया है, बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। इससे समय, पैसा, देश का, जनता का सब कुछ बचेगा और ये बहुत ही उत्तम कार्य है। पहले हो जाना चाहिए था, ये हर तरह से, हर दृष्टि से अच्छा एक तरह से उन्होंने अच्छा कानून को पास किया है कैबिनेट ने। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये हमारे बहुत पहले होना चाहिए था जो हमारी सरकार कर रही है, ये हमारे देश के हित में है क्योंकि आए दिन सालों भर हमारे देश में इलेक्शन होती रहती है। हमारे देश का बहुत सारे पैसे रुपये जो है वो इस इलेक्शन में खर्च होती है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन का होगा हमारे देश में तो हमारी GDP का 1.5% हमारे देश को बचत हो जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या समाधान हो जाएगी हमारे देश के डेवलपमेंट में। इसीलिए ये बहुत पहले होना चाहिए था जो अब सरकार ने इसको तय किया है और ये होना ही चाहिए था। भारत सरकार की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पारित किया है, ये इकोनॉमिक दृष्टि से और जो विकास के कार्य रुक जाते हैं क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, उससे विकास के कार्य रुक जाते हैं, चुनाव इस जून में जारी होने का कारण, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बढ़िया भारत सरकार। एक देश एक साथ चुनाव बहुत अच्छा विकल्प है। उनमें 1991 में और 1996 में भी ऐसा हो चुका है और इससे हमें
देश का बहुत सारा पैसा बचेगा। समय समय पर कभी किसी राज्य के चुनाव हो रहे हैं, कभी किसी राज्य के चुनाव हो रहे हैं, तो परमानेंट सभी लोग चुनावों में ही लगे रहते हैं। जब पूरे देश में एक साथ हर राज्य की विधानसभा का चुनाव और देश का चुनाव होगा तो उससे समय की बचत होगी और बहुत पैसे की बचत होगी। मेरे हिसाब से बहुत लाभकारी कदम है। मैं माननीय मोदी जी को इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बारे में विचार करा और इसे देश में लागू करा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये, और इससे बहुत फ़ायदा होगा देश को और ये बहुत ज़रूरी है। वो देखिए, खर्चा बचेगा, समय बचेगा, हर दूसरे महीने तीसरे महीने कोई ना कोई चुनाव आता रहता है जिससे उसमें जो है अननेसेसरी समय बर्बाद होता है, और ये बहुत अच्छी पहल है और हम तो चाहेंगे कि ये पास होना चाहिए और ये लागू होना चाहिए। अच्छी बात है।